दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अज अमृतसर पहुंचे ने हलका सेंट्रल विच जिथे कि आम आदमी पार्टी के डॉक्टर अजय गुप्ता चोन मैदान में ने गलबात कर रहे हैं। सर किसान का माहौल है जी? सर आप भी आगे लगा लो। माहौल बहुत अच्छा है अमृतसर सेंट्रल में। हमारे डॉक्टर अजय गुप्ता जी बहुत मेहनत कर रहे हैं पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में, और पूरी की पूरी कांग्रेस जो ओपी सोनी जी मंत्री के रूप में काम करते रहे हैं उनसे दुखी है। उन्होंने कुछ नहीं किया हल्के के लिए, केवल और केवल कुर्सियां बचाने और कुर्सियां बनाने की लड़ाई लड़ते रहे। आज अमृतसर के लोग दुखी हैं इस बात से, और केजरीवाल जी को मौका देके देखना चाहते हैं, भगवंत मान जी को मौका देके देखना चाहते हैं, डॉक्टर अजय गुप्ता जी को मौका देके देखना चाहते हैं। 2017 में भी क्या सी आम आदमी पार्टी सरकार बनूगी पर सरकार नहीं बन सके थे, की कारण रहे? कैप्टन साहब ने जिस तरह के झूठे वादे किए, और राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से लोगों के बीच में जा जाके झूठे वादे किए, कहीं ना कहीं उसकी वजह से लोगों को लगा कि कांग्रेस को भी एक विकल्प के रूप में देखा उन्होंने। लेकिन अब 5 साल में लोगों ने कांग्रेस का भी छल देख लिया और अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली में काम भी देख लिया। पर कांग्रेस कहती भी है झूठे वादे आम आदमी पार्टी कर रही है, दिल्ली मॉडल फेल है। कांग्रेस तो पूरी तरह से फेल है, कांग्रेस आपस में तय कर ले कांग्रेस है कौन। 37 उम्मीदवार जो बाहरों लिया ने उन्होंने टिकट दी है, तुम कहते बदलाव आएगा, बदलाव किस आएगा? 37 उम्मीदवार बाहर देने बाहर दी पार्टियां तुम ज्वाइन करवाए ने, बदलाव किस आएगा? ये देखो पुराने कार्यकर्ता है या जितने अभी तो कांग्रेस टूट टूट के आ रही है। मेरा सवाल ही तुम समझे जी भी 117 में 37 तुहाड़े दावेदार टिकट जो टिकट से दिते ने वह बाहर दी पार्टी ने जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, तुम कहते बदलाव होगा, आऊगा किस तरह बदलाव? आप करते रहिए ये हिसाब किताब मैथमेटिक्स आप लगाते रहिए, हम तो लोगों के स्कूल बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। थैंक यू। डॉक्टर अजय गुप्ता भी इतने ने, उन्होंने गलबात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की कहोगे की मुद्दे ने, क्योंकि फाइट फाइट काफी लंबी वड्डी है, क्योंकि डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी सीधे मैदान च ने तुहाडे नाल। मैं पिछली बार भी तुहानू कहा सी सिकंदर जी के ये चेहरा चूरा कुछ नहीं होता, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तो ये तो झूठे लोग हैं, क्या करेंगे, ये पब्लिक इनको जान चुकी है, पहचान चुकी है। अब तो बारी सिर्फ और सिर्फ झाड़ू की है, देखना 100 से ज्यादा सीटें आएंगी और आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी। 2017 में भी आम आदमी पार्टी ने दावा किया था 100 तो ज्यादा सीटें आंदी हैं, पर आईया सारियां 20-22। पहली बारी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है और 22 उन्होंने कैंडीडेट जित रहे हैं, ये भी अपने आप च एक इतिहास सीगा। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਝਾੜੂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਲਕੀ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀ ਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਬਾਵਾਨਾ ਸਿਕੰਦਰ ਪਸਰੀ ਝਾ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀ ਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਹਲਕਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ आम आदमी पार्टी के डॉक्टर अजय गुप्ता चोन मैदान में ने गलबात कर रहे हैं। सर किसान का माहौल है जी? सर आप भी आगे लगा लो। माहौल बहुत अच्छा है अमृतसर सेंट्रल में। हमारे डॉक्टर अजय गुप्ता जी बहुत मेहनत कर रहे हैं पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में, और पूरी की पूरी कांग्रेस जो ओपी सोनी जी मंत्री के रूप में काम करते रहे हैं उनसे दुखी है। उन्होंने कुछ नहीं किया हल्के के लिए, केवल और केवल कुर्सियां बचाने और कुर्सियां बनाने की लड़ाई लड़ते रहे। आज अमृतसर के लोग दुखी हैं इस बात से, और केजरीवाल जी को मौका देके देखना चाहते हैं, भगवंत मान जी को मौका देके देखना चाहते हैं, डॉक्टर अजय गुप्ता जी को मौका देके देखना चाहते हैं। 2017 में भी क्या सी आम आदमी पार्टी सरकार बनूगी पर सरकार नहीं बन सके थे, की कारण रहे? कैप्टन साहब ने जिस तरह के झूठे वादे किए, और राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से लोगों के बीच में जा जाके झूठे वादे किए, कहीं ना कहीं उसकी वजह से लोगों को लगा कि कांग्रेस को भी एक विकल्प के रूप में देखा उन्होंने। लेकिन अब 5 साल में लोगों ने कांग्रेस का भी छल देख लिया और अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली में काम भी देख लिया। पर कांग्रेस कहती भी है झूठे वादे आम आदमी पार्टी कर रही है, दिल्ली मॉडल फेल है। कांग्रेस तो पूरी तरह से फेल है, कांग्रेस आपस में तय कर ले कांग्रेस है कौन। 37 उम्मीदवार जो बाहरों लिया ने उन्होंने टिकट दी है, तुम कहते बदलाव आएगा, बदलाव किस आएगा? 37 उम्मीदवार बाहर देने बाहर दी पार्टियां तुम ज्वाइन करवाए ने, बदलाव किस आएगा? ये देखो पुराने कार्यकर्ता है या जितने अभी तो कांग्रेस टूट टूट के आ रही है। मेरा सवाल ही तुम समझे जी भी 117 में 37 तुहाडे दावेदार टिकट जो टिकट से दिते ने वो बाहर दी पार्टी ने जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, तुम कहते बदलाव होगा, आऊगा किस तरह बदलाव? आप करते रहिए ये हिसाब किताब मैथमेटिक्स आप लगाते रहिए, हम तो लोगों के स्कूल बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। थैंक यू। डॉक्टर अजय गुप्ता भी इतने ने, उन्होंने गलबात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की कहोगे की मुद्दे ने, क्योंकि फाइट फाइट काफी लंबी वड्डी है, क्योंकि डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी सीधे मैदान च ने तुहाडे नाल।
मैं पिछली बार भी तुहानू कहा सी सिकंदर जी कि ये चेहरा चूरा कुछ नहीं होता, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तो ये तो झूठे लोग हैं, क्या करेंगे, ये पब्लिक इनको जान चुकी है, पहचान चुकी है। अब तो बारी सिर्फ और सिर्फ झाड़ू की है, देखना 100 से ज्यादा सीटें आएंगी और आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी। 2017 में भी आम आदमी पार्टी ने दावा किया था 100 तो ज्यादा सीटें आंदी हैं, पर आई हैं सारी 20-22। पहली बारी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है और 22 उन्होंने कैंडीडेट जित रहे हैं, ये भी अपने आप च एक इतिहास सीगा। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਝਾੜੂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਤਕੀ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇ ਗੁਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀ ਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਬਾਵਾਨਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਪਸਰੀ ਝਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ, ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨਣਾ, ਕੰਮ ਉਹੀ ਜੋ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਾ ਭਟਕੋ, ਦੁਆ ਵੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਾਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ, ਸੌਂਕਣ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਲਾਟਰੀ ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ, 21 ਵਾਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ, ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਏ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਨਪਨ, ਜਾਂ ਦੁਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ, 98 199 37 467।